अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वर्दा? आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ अदनान असलम और आज कैमरा कोर्स क्लास 17 होगी। और आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेस कार्ड बनाना, रेडीमेड टेम्पलेट से सिखाऊंगा पहले, और नेक्स्ट क्लास में आपको सेल्फ डिजाइन करना सिखाऊंगा। और जिन लोगों ने पिछली क्लासेस को वॉच कर लिया है तो कंटिन्यू रखिए, और अगर आपने पिछली क्लासेस को वॉच नहीं किया, न्यू हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है प्लेलिस्ट का, और कैनवा का अकाउंट क्रिएट करने का भी लिंक मौजूद है, और आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा। काइंडली कंप्लीट वॉच किया करें, स्किप मत किया करें। स्किप करेंगे तो कुछ स्टेप्स आपके रह जाएंगे, तो आप ठीक से ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन पाएंगे। और वीडियो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अर्निंग कर सकें। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और कंप्लीट करते हैं अपनी क्लास 17। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेस कार्ड किस तरह से बनाया जाता है रेडीमेड टेम्पलेट से। और जिन फ्रेंड्स ने पिछली वीडियोस को वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और कैनवा का अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछली वीडियोस को वॉच कीजिए ताकि आप ठीक से समझ पाएँ कि अब क्या हो रहा है, इस क्लास को आप ताकि फॉलो कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिएटर डिजाइन पर जाएंगे बिजनेस कार्ड बनाने के लिए। हम यहाँ पर लिखेंगे बिजनेस कार्ड, बल्कि ये शो हो रहा है हमारे पास, ये चलें यहाँ से ले लेते हैं। देखिए ब्लैंक विंडो ओपन हो चुकी है, लेकिन हम ब्लैंक विंडो पर आज काम नहीं करेंगे, रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज करेंगे। ये रेडीमेड टेम्पलेट्स यहाँ पर मौजूद होती हैं डिजाइन, ठीक है, डिजाइन में आएंगे और यहाँ बहुत सारी बेशुमार टेम्पलेट्स होंगी। आप, मैं एग्जांपल के लिए कोई भी एक ले लेता हूँ, यहाँ से ये वाली में ले रहा हूँ टेम्पलेट। तो देखें कार्ड के दो तरीके होते हैं विजिटिंग कार्ड के। बहुत सारे प्रिंटर जो हैं वो सिंगल कार्ड आपको बना के देते हैं फ्रंट साइड, और बहुत से आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डबल साइडेड भी बना कर देते हैं। तो हम पहले ये ले लेते हैं, बल्कि ये ले लेते हैं, एक पर काम कर लेते हैं, सेकेंड पर तो लोगो ही लगा होता है, तो ये वाली हम टेम्पलेट ले लेते हैं। अब देखिए ये आपके सामने बिजनेस कार्ड आ चुका है। आपने यहाँ पर सब कुछ अपना डाटा पुट करना है, बिल्कुल आसान तरीके से पुट कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ, ये तमाम जितने भी बटन्स हैं और जितने भी फंक्शंस हैं, उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप सीख गए होंगे जो लोग फॉलो कर रहे हैं, और अब तक बहुत अच्छा डिज़ाइन करना भी सीख गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नेम लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें सॉरी ये ऑल सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी अदनान, इसको पहले कट कर देते हैं। अदनान असलम, ठीक है, प्रेसिडेंट डायरेक्टर, चलें ये लिखा रहे, नो इशू। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना चेंज कर लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल यही आपका कॉन्टैक्ट नंबर है समझ लीजिए, तो आप चेंज कर सकते हैं। आपने जब यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अगर आप चाहते हैं कि पूरी वर्ल्ड में, यानी आपका बिजनेस चल रहा है या कोई भी आपका क्लाइंट है वो बिजनेस कार्ड बनवाना चाहता है पाकिस्तान से बाहर से है, तो नंबर से पहले कंट्री कोड लगाएंगे, फिर उसका नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे। इसको एडिट कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए ईमेल एड्रेस देंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये क्लास बिल्कुल शॉर्ट होगी ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सी चीज़ें चेंज करनी होती हैं। आप इजीली यहाँ से चेंज कर लेंगे, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर ये ठीक रहेगा। और ये चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, ये एड्रेस है, लोकेशन है, यहाँ पर क्लाइंट की आप लोकेशन डालेंगे, ठीक हो गया। ये है फ्रंट साइड, और बैक साइड के लिए हम चलें दूसरी बैक साइड भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट चाहता है कि मैंने डबल साइडेड कार्ड बनवाना है, तो या फिर आपने अपने लिए विजिटिंग कार्ड बनवाना है, बिजनेस कार्ड बनवाना है, तो खुद से डिज़ाइन करने के बाद आप प्रिंटर को दे सकते हैं कि सेम यही डिज़ाइन मुझे बना कर दीजिए मेरे कार्ड का। तो यहाँ पर कंपनी नेम होगा, कंपनी नेम आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी अदनान असलम, ठीक है, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्लाइंट का जो भी कंपनी नेम होगा वो लिखना है आपने। इनका जो स्लोगन होगा, आप जैसा कि छोटा सा एक स्लोगन भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग,
ठीक है, ये हमारा स्लोगन आ गया। ठीक है, तो ये कार्ड की बैक साइड होगी, लोगो उनका जो होगा आप वही लोगो लगाएंगे, या आप अपने लिए बना रहे हैं तो अपना लोगो यहाँ पर लगाएंगे। लोगो बनाना मैंने सिखा दिया है आपको, और दोबारा वॉच कर लीजिएगा अगर ना याद हो आपको कि लोगो किस तरह से बनाया जाता है, तो अपना लोगो बनाकर आप यहाँ पर लोगो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये कार्ड कंप्लीट होता है, और आपका ये देखें, ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहते हैं कुछ कलर चेंज करना, तो मेरे ख्याल में ये बहुत प्यारा लग रहा है, कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ इसमें चेंज होना चाहिए तो कर लें, चलें, ये भी बहुत अच्छा, ये प्यारा लगा, ये एलिमेंट आ गया। ठीक है, अब हम बैकग्राउंड का कलर देख लेते हैं चेंज, बल्कि चेंज नहीं करते, बैकग्राउंड का कलर ठीक है, प्यारा है कलर बैकग्राउंड का, तो यही सही रहेगा। और इसी तरह यहाँ पर सेकंड पर आते हैं। ठीक है, सेकंड पर आने के बाद हम इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं कलर। ठीक है, सेम कलर आ गया, सेम डिज़ाइन हो गया, चीज़ें मैच करनी है, अपने जहन में रखना है। अभी देखिए, ये फ्रंट हिस्सा हुआ कार्ड का और ये बैक हिस्सा हुआ। जब प्रिंटर बनाते हैं तो एक बैक साइड पर ये होगा और फ्रंट साइड पर वो होगा, जो पहले वाला पेज, ये वाला, ये फ्रंट साइड होगा बिजनेस कार्ड का और ये बैक साइड होगी बिजनेस कार्ड की। सिंपल इतना सा काम होता है, रेडीमेड टेम्पलेट से आप इस तरह से बना सकते हैं। हाँ, मज़ीद कुछ डाटा इसमें देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने देख लेना है कि वो और यहाँ पर क्या मैटर देना चाहते हैं, वो आप देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था, बिल्कुल आसान था, आपने देखा, यहाँ से रेडीमेड टेम्पलेट लें, कोई भी लें, मैंने तो रैंडमली एक ले ली ताकि आपको एग्जाम्पल दे सकूँ और शॉर्ट वीडियो बनाऊँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, बेसिक चीज़ें समझ आ जाएँ। बाकी अगर आप चाहते हैं फॉन्ट पे काम करना, चलें थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फॉन्ट पे कर लें, इफेक्ट्स में जाइए, वो क्योंकि इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर देते हैं, यहाँ पर इफेक्ट्स दे देते हैं। ठीक हुआ, और उसके बाद इसको भी इफेक्ट्स दे देते हैं हम, और देख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे वही इफेक्ट आपने यहाँ पर देना है। तो ये कंपनी को भी हम चेंज कर लेते हैं, इसको भी इफेक्ट देते हैं, कंपनी नेम को यहाँ पर दे देते हैं ये वाला, और यहाँ भी कंपनी नेम बनारस नाम लिख देते हैं ताकि डाटा हमारा मैच हो जाए बैक और फ्रंट। ठीक है, वहाँ भी कंपनी नेम अदनान दिया था हमने। तो ये देखिए, आपके सामने कार्ड बिल्कुल रेडी है, और इसमें बाकी नहीं अगर पसंद हो ये डिज़ाइन तो आप बहुत सारी यहाँ देखें टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, यहाँ से लीजिए। सेम इसी तरीके से आपने काम करना है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कुछ ना समझ आए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें, शेयर करने में शर्माया मत करें, ताकि वो लोग भी यार फ़ायदा उठा लें, उनको भी बेनिफिट मिल जाए, उनके पास भी एक स्किल आ जाएगा। ठीक है, बहुत से बेरोजगार हैं, घर बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब नहीं मिल रही, हाउस वाइफ्स हैं, तो ये काम वो घर पर कर सकते हैं। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि अब सर्विस आपने कहाँ पर सेल करनी है, इजीली आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। पहले आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लीजिए। तो आज की क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास 17 सीख गए होंगे कि किस तरह से काम करना है, बिल्कुल आसान था, मुश्किल नहीं था। कुछ ना भी समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट किया करें, और वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।